कीड़ा है जिसे नैरोबी एसिड इंसेक्ट बताया जा रहा है, क्या आपको जानकारी साझा करना चाहेंगे इसके बारे में? नैरोबी फ्लाई ये एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट में आता जी है जिसको हम लोग पेडेरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सीक्रेट करता है फ्लूइड, इसका नाम है पेडेरिन। पेडेरिन क्या करता है, बॉडी स्किन के कांटेक्ट में आने से वो केमिकल बर्न इंजरी करता है। ठीक है, सो ये जो केमिकल बर्न डर्माटाइटिस लिनियरिस जो ग्रुप ऑफ डिजीज इससे पैदा होता है उसका नाम है डर्माटाइटिस लिनियरिस। तो ये जो केमिकल बर्न इंजरी है बेसिकली ये एक्सपोजर मिलने से 3 से कोई कोई पेशेंट के 18 आवर्स बाद या फिर 24 आवर्स के बाद भी होता है ये। ठीक है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसमें कोई डरने का बात नहीं है, नॉन कॉन्टेजियस है, मतलब कोई एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलने का चांसेस 0 है एकदम। और ये सेल्फ लिमिटिंग है, यूजुअली 10 से 12 डेज तक अपने आप ये खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब पेन होता है, बहुत पेनफुल है ये कंडीशन, इज वेरी पेनफुल क्योंकि स्किन के अपर दो लेयर में ये होता है इफेक्ट। तो इसके लिए हम लोग कुछ एंटी हिस्टामिनिक, एक टॉपिकल स्टीरॉयड क्रीम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्रीम और सम पेन किलर्स, दैट इज इनफ। कुछ कुछ पेशेंट के लिए सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, अदरवाइज इट इज नॉन वायरल, कोई प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारा पेशेंट आ रहा है ओवर द काउंटर एंटीवायरल क्रीम, ओवर द काउंटर एंटीबैक्टीरियल क्रीम यूज कर रहा है, सो ये आउट ऑफ पैनिक शायद यूज कर रहा है। इसका एक चीज के साथ सिमिलरिटी है, हर्पिस जोस्टर वायरस जो होता है बॉडी में उसका जो इरप्शन है उसके साथ सिमिलरिटीज है, तो इसी डर के मारे बहुत सारे पेशेंट एंटीवायरल क्रीम भी यूज कर रहे हैं। नो नीड ऑफ दैट, कोई यूज नहीं है उसका। हर्पिस जोस्टर अगर कोई ये ब्लिस्टर को लेके कंफ्यूजन हो रहा है डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर जो सलाह देंगे जस्ट मान के चलिए, डोंट पैनिक। राइट, पहले भी इस तरह के कीड़ों का कोई इफेक्ट था या फिर अचानक से बहुत ज्यादा दिखा जा रहा है? ये कीड़ा बहुत दिन से है, ये कीड़ा सीजनल है बेसिकली फॉलोड बाय रेन। जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनके केयर के लिए एकदम नथिंग टू वरी, ये लोकल ही है, मगर जहां पे स्किन पे अपर दो लेयर पे ही इफेक्ट होता है तो टॉपिकल स्टेरॉयड यू कैन अप्लाई, यू कैन टेक एंटी हिस्टामिनिक जो सर ने बोला है अभी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले जैसे कि कोई जैसे न्यूज वगैरह कोई या तो सोशल मीडिया में वायरल नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है कि पैनिक करने की स्थिति आ गई है। ना ना ना, नो नो नीड टू पैनिक, ये बहुत, मैं तो मेडिकल कॉलेज से 2003 पे आया, नॉन बेंगल मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल पे रहता था तो वो होता था, मेडिकल कॉलेज के आसपास में ये अफेक्शन मतलब ये ज्यादा पाया जाता है, मतलब मैंने इतना तो नहीं सुना, बट मेडिकल कॉलेज में 2005-6 उस टाइम पे भी ये हुआ था। एक चीज जरूरी है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें कि ये जो कीड़ा है इट डजंट स्टिंग। ठीक है, हीमोलिम्फेटिक में ये रहता है, उसके कीड़ा का जो बॉडी की फ्लूइड के अंदर में रहता है ये पेडरिन, सो ये कीड़ा कभी बाइट नहीं करता है। लोगों के में अगर गलतफहमी है जो कीड़ा चल गया या फिर उसने बाइट कर दिया बोल के ये रशेस निकल रहा है, दैट इज नॉट द ट्रू। इसमें क्या होता है, अगर कीड़ा को हमने क्रश कर दिया स्किन सरफेस के अगेंस्ट में, सोते हुए क्या होता है, कोई चीज चल रहा है हम लोग उसको मसल दिए, तो उसमें क्या होता है जो फ्लूइड है कीड़ा का वो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड कॉन्टेक्ट में आ जाता है। इफ कोई जागते हुए वो कर दिया तुरंत उसको पानी से धो लीजिए जगह को। ठीक है, नॉट इसमें वार्म कंप्रेस की कोई जगह नहीं है, आइस कंप्रेस या फिर कोल्ड कंप्रेस कीजिए फॉर इमीडिएट रिलीफ। तो क्या होगा, इसमें बेसिकली ये जो पिडरिन है दैट इज हम लोग बोलते हैं वेसिकल, पोटेंट वेसिकल, वेसिकल मतलब वही चीज है जो वेसिकल फॉर्म करता है। अगर उसका कांटेक्ट टाइम को हम लोग कम कर दे वॉश करके या फिर कोल्ड कंप्रेस करके, सो चांसेस ऑफ वेसिकल इरप्शन इज लेस।
सो ये कीड़ा काटता नहीं है, ये कीड़ा काट या स्टिंग नहीं करता है जिसे ये विस्टर्स होता है। ये कीड़ा जब तक ये क्रश नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। अगर कीड़ा आपके शरीर में चल रहा है तो उसको ब्लो कर दीजिए, ब्लो करके उसको निकाल दीजिए। तो अभी स्थिति ऐसा है कि